नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 74वें गणतंत्र दिवस के लिए तैयार है कर्तव्य पथ। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? कैसे शुरू हुई परेड की परंपरा? राजपथ की नई पहचान कर्तव्य पथ देश के बाहुबल, शौर्य और पराक्रम के सुरमय गान को तैयार है। यहाँ से बहने वाली हवाओं में राष्ट्र राग की सुमधुर रागिनी घुली हुई है, जिसमें सांस लेने वाला शख्स राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। इसके शौर्य गान की गूंज आज देश के कोने कोने और कण कण को जीवंत किए हुए हैं। देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाने को तैयार है। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाएंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस भारत का परिचय देता है। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा रही है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी है कि आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है और क्यों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक इतिहास है। इसी तारीख 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। इसमें 26 तारीख का फिर से गजब है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, उससे ठीक दो महीने पहले यानी 26 नवंबर 1949 में इस संविधान को तैयार करने वाली संविधान सभा ने इसे अपनाया था। इसमें 26 का प्रमुख फैक्टर यह है कि 26 जनवरी के दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की हुंकार भरी थी और ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष तेज करने का फैसला लिया था। ऐसे में जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान का ड्राफ्ट पहले ही तैयार था। ऐसा माना जाता है कि 26 तारीख की फैक्टर के वजह से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने की परंपरा शुरू हुई। देश में जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसका मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के तौर पर जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानूनों की दो कॉपियों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके दो दिनों बाद यानी 26 जनवरी को इसे देश में लागू कर दिया गया। इस तरह 26 जनवरी 1950 की सर्द सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र या गणतंत्र राज्य के तौर पर दुनिया के मानचित्र पर परिभाषित हुआ। इसके ठीक 6 बाद यानी 10:24 पर सर्वसम्मति से चुने गए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पद एवं गोपनीयता शपथ दिलाई गई थी। इस प्रकार गणतंत्र दिवस हर साल अपने बलिदानियों को याद करते हुए कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करता है। इस दिन सेना जब शानदार परेड मार्च करती हुई आती है और आगे बढ़ती है, तो देशवासियों का दिल राष्ट्र प्रेम से भर जाता है।